हमारे हरियाणा के मुतलिक एक सवाल उठ रहा है कि हरियाणा बिजली विभाग अगर सब थर्मल बंद होते हैं, कोयले से ये आपका प्रोडक्शन कम होगा तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। मैं उसमें थोड़ा सा आपसे क्लियर करूं कि हमारे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी टोटल जो थर्मल से प्रोडक्शन है वो 2510 मेगावाट है। 2510 मेगावाट में अब जो हमारे थर्मल चल रहे थे कि सारे नहीं चलाते, हमारे 1700 मेगावाट उसमें से प्रोडक्शन चल रही थी ये फैसले से पहले, वो हम बंद करते हैं तो आप ये समझो कि टोटल हम पे इन हैंड आज के दिन 12000 मेगावाट है, जिनमें एक दिन की जो टोटल कंजम्पशन है हाईएस्ट वो 7000 है, तो हम पे 5000 मेगावाट स्पेयर हुई। थर्मल जब हम इस करके चलाते हैं कि जब बाहर जैसे 20-22 रुपये भाव हो गया था तो कोल मिल नहीं रहा था, पीछे रांची में और जगह सब जगह छत्तीसगढ़ में माइंस में चला गया था, रेलवे ट्रैक पानी में आ गए थे, तब हमारे यहाँ थर्मल चलाए थे तो थर्मल की हमें कॉस्ट पड़ती है 470 और बाज़ार से जो हम आज के दिन ले रहे हैं वो 350 है, कभी 340 हो जाती है, कभी 360 हो जाती है, कभी 330 भी होती है, तो ऑन एवरेज 350 पड़ती है, तो हम थर्मल की यूज ही नहीं करते। तो हमारे अगर थर्मल भी बंद हो जाते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्मल से हमारी टोटल जो है इस वक्त टोटल 2510 है पर 1700 मेगावाट चली है, वो अगर हम बंद कर देंगे तो भी हम पे 5000 मेगावाट इन हैंड स्पे रहती है, तो कोई इशू नहीं है। हरियाणा में बिजली की वजह से कोई इंडस्ट्री बंद हो ऐसा नहीं है, चाह रहे हैं कि हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं कि प्रदूषण नहीं आए, मतलब सभी के लिए आप और हमारे सेंटर सभी के लिए ख़तरनाक है। तो इस बात पर मैं थोड़ी सी पोजिशन क्लियर करने के लिए कि हमारे यहाँ अगर हम कोयले से प्रोडक्शन बंद करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर में हरियाणा पे इन सरप्लस हैंड में हम पे पावर है। हमारे हरियाणा के मुतलिक एक सवाल उठ रहा है कि हरियाणा बिजली विभाग अगर सब थर्मल बंद होते हैं, कोयले से ये आपका प्रोडक्शन कम होगा तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। मैं उसमें थोड़ा सा आपसे क्लियर करूँ कि हमारे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी टोटल जो थर्मल से प्रोडक्शन है वो 2510 मेगावाट है। 2510 मेगावाट में अब जो हमारे थर्मल चल रहे थे कि सारे नहीं चलाते, हमारे 1700 मेगावाट उसमें से प्रोडक्शन चल रही थी ये फैसले से पहले, वो हम बंद करते हैं तो आप ये समझो कि टोटल हम पे इन हैंड आज के दिन 12000 मेगावाट है, जिनमें एक दिन की जो टोटल कंजम्पशन है हाईएस्ट वो 7000 है, तो हम पे 5000 मेगावाट स्पेयर हुई। थर्मल जब हम इस करके चलाते हैं कि जब बाहर जैसे 20-22 रुपये भाव हो गया था तो कोल मिल नहीं रहा था।